स्कॉर्पियो है नए जो ऐसे में दिक्कत आ रही है, आरएसए वाले को फोन करना पड़ रहा है। जो और भी कोई स्कॉर्पियो है ऐसी, भैया स्मेल आ रही है बहुत गंदी यार। स्मेल तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता कि क्या स्मेल आ रही है, पर कुछ तो आ रही है यार स्मेल, यार कुछ तो है भाई। मेरी गाड़ी जा रही है यार, बाय बाय टू माय कार। तो भाई सभी भाइयों को राम राम भाई, कैसे हो सारे के सारे। अब भाई कल हमारे साथ बहुत अजीब घटना घटी है, बहुत ही ज्यादा। कल रात की बात है, अभी आज का आज डेट है भाई 3 दिसंबर है, कल 2 तारीख थी भाई। कल रात को मतलब हम कितने बजे घर आए, 2 बज गए होंगे। अब क्या क्या हुआ वो भाई आपको ये भाई बता दे, क्योंकि इसके साथ ही हुआ हमारी स्कॉर्पियो इनके साथ 90-39। पिछली वीडियो में आपने हम उसमें क्लच की प्रॉब्लम तो हमने आपको बताई ही थी कि क्या थी, उसी को लेके कुछ ऐसी चीज होगी हम सर्विस सेंटर जा भी नहीं पाए, वो खुद ही चली गई भाई। अब भाई बताए भाई छोटा, हम आपको क्लिप्स के साथ दिखाएंगे, बस हम इतना क्रक्स में बता देते हैं बात की। ये हुआ था कि भाई अपनी गाड़ी चल खड़ी गाड़ी में अपने आप हमने ऑन करा तो वाइब्रेशन होने लगी उसमें, बहुत अजीब सी, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अजीब सी वाइब्रेशन जो बहुत वियर्ड थी। उसके बाद हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसमें से स्मेल आने लगी, जलने की, ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी जल जाएगी पीछे से। ये स्मेल पीछे से आ रही थी भाई, अपने बोनट खोल के देगा तो उसमें नहीं थी। बाकी अब आपको क्लिप्स देखो जब आपको पता लगेगा। अभी आप सारी क्लिप्स देख लो, हमने जितना भी शूट करा उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। इस टाइम हमें हमारी स्कॉर्पियो ये देख लो, अभी हमने पिछली वीडियो भाई इसकी बनाई है कि हमने उसमें आपको एक दो इशू छोटे छोटे बताए थे। आज हुआ यूं कि अभी अभी भाई बैठे थे गाड़ी में, ये पार्किंग है भाई सारी गाड़ी अपनी, देखो एस्टर भी खड़ी हुई है यहीं, मैं तो था भी नहीं, ये जति नहीं था, ये बैठा हुआ था अपने दो फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था अपना ऐसी गाड़ी में भाई। तो एकदम से क्या हुआ, इसमें गाड़ी ऐसी स्टार्ट करी, घड़ी हुई थी यहाँ बहुत देर से, फिर स्टार्ट करती ना वाइब्रेशन आने लगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आ जाओ अंदर भाई। ऑन कैमरा तो मैं समझता हूँ ज्यादा फील नहीं हो पाएगी, बट हम ट्राई कर लेते हैं। देखो देखो ये देखो, मतलब इतनी ज्यादा भाई गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। और दूसरी चीज भाई, अंदर हम बैठे हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही मैं बाहर जा रहा हूँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, जो गाड़ी का ये होता है यहाँ पीछे से, इधर से बहुत बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है भाई। स्मेल तो हम फील नहीं करा सकते जो बात है। तो भाई अभी अभी हम रोल असिस्टेंस को हमने कॉल किया है, वो आप क्लिप देख लेना। आप गाड़ी के पास ही हैं? जी जी, आशा करता हूँ स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ आप यूज कर रहे हो। हाँ जी, आपको मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज शेयर किया है, जिस नंबर से भी बात हो रही है इसी नंबर पे ये मैसेज आपके पास ओके। आपको बताना चाहूंगा हमारी जो सर्विसेज है फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। okay. कोई चार्ज होता है आपको 014 नंबर से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हम आपसे संपर्क करेंगे आपके नंबर पे जो नंबर है। और जो भी फर्दर अपडेट होगा एस्टिमेटेड टाइम एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट हम आपसे बैक कर दिएगा। ओके ओके, मैंने लोकेशन शेयर कर दी है सर, वैसे आप चेक कर सकते हो। चेक कर लेता हूँ, अगर आप चाहें अपने सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए सेम इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ। मिस्टर जतिन आपकी लोकेशन आ रही है राजनगर की गाजियाबाद जी, जी, जी। और मैं आपको लैंडमार्क अपडेट कर देता हूँ, हमारे पास जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अंसल सुमेधा बिल्डिंग। यस 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 यस, यू आर राइट। या 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 या, ठीक ठीक है, कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। मिस्टर जतिन गाड़ी का गियर बॉक्स ऑटोमेटिक होगा मैनुअल? जी मैनुअल मैनुअल। डीजल गाड़ी है पेट्रोल है? पेट्रोल। गाड़ी भी खुले जगह पे है ताकि गाड़ी को इजीली टो किया जा सके? हां हो जाएगी। गाड़ी आपकी न्यूट्रल मोड में हो जाएगी? जी हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का अनलॉक हो जाएगा? हाँ अनलॉक हो जाएगा। चारों टायर गाड़ी के सीधे घूम रहे हैं इस समय? हाँ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो बर्निंग की जो है ना वो, इसलिए हम गाड़ी को स्टार्ट मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, बाकी व्हीकल स्टार्ट हो रहा है उसमें कोई इशू नहीं। पर वाइब्रेशन है? हाँ होगा। रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कीमती सामान हो आप गाड़ी से निकाल लीजिएगा, हमारे साइड से टैक्सी फ्री है 50 किलोमीटर। टैक्सी की रिक्वायरमेंट है आपको? टैक्सी चाहिए घर जाने के लिए? नहीं। हाँ यस, हाँ फ्री है 50 किलोमीटर तक, तो ये आपको ड्रॉप कर। ओके ओके, हाँ आप टैक्सी भेज देना सर, क्योंकि घर 3-4 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा दूर है नहीं, तो हो जाएगा। ठीक है। टोटल पैसेंजर जान सकता हूँ कितने पैसेंजर? दो पैसेंजर हैं। और जो गाड़ी की लोकेशन है इसी लोकेशन से टैक्सी चाहिए? जी हाँ जी। कहाँ तक की आपको टैक्सी चाहिए? गांधीनगर गाजियाबाद। गांधीनगर जी। 10 मिनट
गांधीनगर हरी मंदिर डाल देना, लैंडमार्क हरी मंदिर। जी गांधीनगर गाजियाबाद लैंडमार्क हरी मंदिर। गाड़ी को हम ड्रॉप करवा रहे हैं मथुरा रोड पे, ठीक है, 42 किलोमीटर दूर है कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स पे न्यू दिल्ली, ठीक है। ये लेकिन इधर भी है ना सर्विस सेंटर आपका, शिवा महिंद्रा, शिवा ऑटोमोबाइल, शिवा महिंद्रा, तो ये हमारे नियर बाय भी पड़ता है इतना दूर, आप एक बार चेक कीजिए उसको। हाँ शिवा महिंद्रा हो सकता है सर, जो स्कॉर्पियो एंड व्हीकल है ना वहाँ पे आपकी सर्विस अवेलेबल ना हो। नहीं हम कराते हैं, चलो उधर ही कराते हैं सर्विस सारी, और हमारी रिपेयर अभी बीच में रिपेयर भी हुई थी तो उधर ही हुई थी। जी नो नो नो। तो फिर आप दिल्ली में कहाँ बता रहे हो, फिर दिल्ली से पिकअप भी करनी पड़ेगी ना, हम कर लेंगे यहाँ पे फास्ट हो जाए काम। भैया हम चाहते हैं कि हमारे पास इकलौती गाड़ी है, हम थोड़ा मतलब हमारे को ना प्रॉब्लम हो जाएगी जाने आने में, तो जहाँ पे ज्यादा अच्छा काम हो जाए ना, एफिशिएंट काम हो जाए वहाँ पे आप कराओ, चाहे जहाँ पे आपका मर्जी करे नियर बाय। होटल के अकॉर्डिंग सर हमारी जो हमारे पास सर्विस सेंटर नियर बाय आ रहा है वो मथुरा रोड पे आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल, ठीक है ओके। आप वहाँ करा दो फिर, आप वहाँ करा दो क्योंकि हमें काम जो है थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ जी जी वो आपको कॉल भी करेंगे। ठीक 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 ओके ओके। बिल्कुल अभी अभी कॉल किया तो उनके तरफ से देखो अच्छा रिस्पॉन्स मुझको मिला है, नो डाउट उनकी तरफ से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। वो अभी इनको पिक ड्रॉप भी कर देंगे, मैं तो जा रहा हूँ मुझे किसी काम से जाना था, और वो गाड़ी टो करके ले जाएंगे। लेकिन हमारा जो नियरेस्ट सर्विस स्टेशन है वो भाई गाजियाबाद शिवा ऑटोमोबाइल्स वाला, वो लेकिन वो मथुरा रोड दिल्ली जहाँ से 42 किलोमीटर बता रहे हैं वहाँ पर गाड़ी छोड़ेंगे, तो हमने कहा चलो वहीं से कराते हैं, यहाँ का तो एक्सपीरियंस हमारा बेकार रहा है भाई। क्यों भाई? बिल्कुल बहुत गंदा है हमें, क्योंकि आप ट्रिप पर भी निकलना आपको बताया था इसको सही कराने ले जा रहे थे लेकिन इसमें और दिक्कत आ गई भाई। चलो अब आएंगे उसका एक्सपीरियंस अब आपको ये भाई वीडियो बाकी ये बना लेगा क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, बाकी भाई देखते हैं यार इसको नजर ही लगती रहती है यार, ये दो बार सर्विस सेंटर चली जाती है यार। मेन प्रॉब्लम पता क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है भाई जो उसमें स्मेल आ रही है वो ज्यादा दिक्कत है, वरना हम इसको ले जाते खुद ले जाते, कोई वाइब्रेशन को इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्मेल वाली प्रॉब्लम। स्मेल से मैं डर गया ना भाई, भाई स्मेल में बर्निंग स्मेल है ना भाई, स्मेल में गाड़ी चलाना रिकमेंड नहीं करते हम भी नहीं करते भाई, अगर किसी को भाई अगर नॉर्मल स्मेल ठीक है पर बर्निंग स्मेल मतलब आग भी लग सकती है, और हमने देख रखा है बहुत चीज देखी है भाई हम यही काम करते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। चलो अब बाकी देखते हैं, उन्होंने एक घंटे का टाइम बोला है भाई, ये इन सब मैसेज आया ही, तो बाकी देखते हैं कितनी देर में आते हैं, बाकी इनके के फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई, अगर आपके साथ कभी प्रॉब्लम है जिनको नहीं पता तो ये नंबर होता है आप इसको कॉल करके यहाँ पे उनको उनसे बात कर सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स रहा था बाकी उनका, तो बाकी देखते बढ़िया लगा, अब बता नहीं सर्विस कैसे होगी वो पता लगेगा, वो देखते हैं बाकी भाई इसमें से सामान वामान निकाल लेंगे अपना, बाकी आगे की वीडियो ये कंटिन्यू करेगा। तो गाड़ी ये खड़ी है गाइस, और ये टो करने आए हैं, देखो RSA का ये तो फायदा है ही, महिंद्रा वालों ने RSA का मतलब आ गए 45 मिनट में आ गए लोग, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब गाड़ी को टो करके ले जाएंगे, आपको वाइब्रेशन की जो है वीडियो वो तो आपको दिख ही जाएगी, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है मेरी गाड़ी में यार, बस ठीक हो जाए थोड़ा है ना। आप दिल्ली पे कौन से वाले सर्विस स्टेशन में लेके जा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट महिंद्रा है, बता नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट महिंद्रा में लेके जा रहे हैं अभी, भाई की भाई एक भी छुट्टी नहीं है, सातों दिन काम करते हैं हफ्ते के, है ना। अगर मन से छुट्टी करनी हो तो कब करोगे आप है? छुट्टी तो है ही नहीं, मन से कर ही नहीं सकते यार, इतने डेडिकेटेड बंदे बहुत कम मिलते हैं, और ड्यूटी भी 24 घंटे, ड्यूटी 24 घंटे है, मतलब आपको यही करना है पिकअप करना है बस सारी गाड़ियों को, है ना, चाहे किसी भी कंपनी की हो, है ना, किसी भी कंपनी। ओके नाइस, चलो ठीक है अब कौन दो पिकअप जो होता है देखें, वाइब्रेशन वगैरह जो भी दिक्कत है अब गाड़ी का पता लगेगा भाई, सारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं वीडियो अपने फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, इस पता नहीं क्या ये दिक्कत आ गई है, वाइब्रेशन हो रही है, गंदी जलने की स्मेल आ रही है, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं से मतलब ऐसा ना हो कि भाई जल जाए, मतलब ऐसा होता है ना बहुत सी गाड़ियाँ हमने देखी हैं जो जल जाती है अपने आप, चलती जल जाती हैं, कहीं दिक्कत मेरी गाड़ी में ना हो जाए, इसलिए पहले RSA को फ़ोन कर लिया हम लोगों ने, भाई इसे लेके चले जाएंगे, पता नहीं गाड़ी कब ही आएगी हमारी, ट्रिप का तो नाश हो गया भाई, ट्रिप से पहले इतनी दिक्कत है पता नहीं क्यों आ गई। भाई से ऑन कर सकते हैं हम, क्या आप ही करोगे? अभी रुक जाइए थोड़ा,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर करके बस क्या जी आराम से बाकी बातें देखेंगे। चाबी चाहिए भैया? भाई अभी लोग खुद ही कर रहे हैं यार, जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। देखो आरएसए वाले, हम तो कुछ कर नहीं रहे। गाड़ी पूरी फुल वाइब्रेट कर रही है, स्मेल आ रही है उसमें गंदी गंदी। ओके ओके नाउ भी चढ़ा देते हैं इस पे। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ गई यार, स्कॉर्पियो पहली स्कॉर्पियो है नए जो ऐसे में दिक्कत आ रही है, आरएसए वाले को फोन करना पड़ रहा है। जो और भी कोई स्कॉर्पियो है ऐसी, भैया स्मेल आ रही है बहुत गंदी, जल्दी कर चढ़ा दो बस इसे। ओके अरे वाह नाइस। पता नहीं कहाँ से यहाँ पीछे से आ रही है स्मेल यार। यार स्मेल तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता कि क्या स्मेल आ रही है, पर कुछ तो आ रही है यार स्मेल यार, कुछ तो है भैया। वाइब्रेट कर रही थी ये, ज़्यादा गंदी वाली वाइब्रेट कर रही थी, ज़्यादा ही कर रही है वाइब्रेट। और स्मेल आ रही है आपको गंदी सी? स्मेल तो आ रही है। कहाँ से आ रही है स्मेल भाई? स्मेल आ रही है बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसकी वजह से हमने, और वाइब्रेशन और स्मेल की वजह से इसको हमने आरएसए वाले को बुलाया है। बाकी अब पता लगेगा, हम जाएंगे कौन से महिंद्रा दिल्ली पे, अपने आप फोन आ जाएगा ना उन लोगों का, ठीक है ना? ठीक है भाई, आप तो हमें आप घर छोड़ो ना बस पुराने बस अड्डे तक। यार ये बढ़िया बंदे हैं, मिल गए हमें यार। यार ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यार। चलो ठीक है भाई, तो गाड़ी तो हो गई है बिल्कुल फुल पैक्ड। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग हमें लेने के लिए कोई आएगा, पर हम तो इनके साथ जा रहे हैं। भैया हमें अच्छे मिल गए भैया। भैया पहली बार ट्रक में बैठे यार। खैर मेरा काम ऐसा ही है जिसमें ट्रक में माल आता है मेरा, पर मैं कभी बैठा नहीं यार, माँ कसम। मेरा माल दूर दूर से आता है ट्रकों में ही, पर मैं कभी नहीं बैठा क्योंकि मैं उस टाइम पे पहुँचते नहीं जब ट्रक उतर जाते मेरी दुकान में। यार देखो भाई ट्रक, बाकी सब नीचे ही है यार। अब जो उन लोगों को फोन नहीं करने की जरूरत है, थोड़ी यार ऐसे वालों को है ना, आप छोड़ ही रहे हो मेरे को बस अड्डे तक। यार कितनी हेल्पफुल है ये लोग। भैया बढ़िया मिल गया हमें, देखो पीछे गाड़ी, बस गाड़ी कल तक मिल जाए यार। मेरे को गाड़ी के अलावा कुछ है नहीं जिंदगी में, उससे सबसे ज्यादा प्यार है। ओह शिट, इस गाड़ी में भी मार नहीं। थैंक यू सर। छोड़ दिया यार, बहुत अच्छे बंदे हैं। मेरी गाड़ी जा रही है यार, बाय बाय टू माय कार। भाई वहां तक आपने देख लिया, उसके बाद वो लोग ले गए। खराब हो रहा है यार गाड़ी, पता ना क्या। यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी होती थी भाई, यहाँ पे है ही नहीं इस समय यार, दिमाग खराब हो रहा है देख के। अब भाई वो लोग ले गए गाड़ी, उसके बाद कितने बजे पहुंचे थे वो? भाई 11:50 के करीब अराउंड उनका फोन आया था कि आपकी गाड़ी यहाँ पे कॉन्सेप्ट महिंद्रा पे आ गई। अब लोगों ने उनका सुबह फोन भी आया भाई, उन्होंने सुबह ये कहा कि अब हम चेक, मैंने उन्हें बता दी थी क्या दिक्कत थी, अब वो कहते हम चेक करके 12 बजे तक अपडेट करेंगे। अब जो भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे 12 बजे तक जो भी अपडेट होगा वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। इसमें तो क्या ही पता लगेगा, तो यहीं पर ही एंड कर रहे हैं हम। तो उसमें हमने आपने उसको बता दिया उनको, महिंद्रा वालों को क्या क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, गाड़ी हमारी, हम गाजियाबाद में रहते हैं तो ये शिवा महिंद्रा पे नहीं भेजी इस बार हमने, कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने जब बोला कॉन्सेप्ट महिंद्रा में ज़्यादा अच्छे से काम होता है, वो खुद बोला। हमने जब आरएसओ को कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे जो सिस्टम में नियरेस्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट महिंद्रा आ रहा है दिल्ली। तो हमने कहा चलो ठीक है एक बार वहाँ ट्राई कर लेते हैं, जबकि वो कह रहे थे अगर आप चाहोगे तो हम शिवा पे भी भेज देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हाँ तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शिवा पे एक्सपीरियंस हमारा अच्छा वैसे भी नहीं रहा है, कुछ खास नहीं रहा है, हो सकता है वहाँ अच्छा हो जाए तो हम भाई जरूर तारीफ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट वालों को सुबह फोन आ गए थे 9 बजे, भाई तुम्हारी गाड़ी आई है, हम देखते हैं।
अब देखते हैं क्या इशू हुआ है कल और कब तक करके देते हैं और क्या क्या उसमें है वो आपको बताएंगे। मैं चाहता हूँ अगर आज ही हो जाए तो आज ही चल लेंगे। हाँ हम आज चल लेंगे, हम फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। देखो हम तो आपको रेगुलर अपडेट देंगे ही देंगे गाड़ी, क्योंकि हमें भी जल्दी हमें भाई ट्रिप पे निकलना है, आपको बताया पता नहीं ट्रिप से पहले ऐसे क्या दिक्कतें आ रही है, अपने आप ही जल्दी की स्मेल आना वियर्ड भाई, वो ज्यादा खतरनाक था वरना हम खुद ही ले जाते गाड़ी। रात को कितना परेशान हुए भाई, वो तो अच्छा है उस बंदे ने हमें छोड़ दिया भाई, जिसने गाड़ी टो करी हो ना बहुत कम अच्छे लोग मिलते हैं यार रात के समय बेचारे का, चलो आप जहाँ कह रहे हो वहाँ छोड़ दो। तो भाई ये तो है यार, ऐसे टीम अच्छी है काम बढ़िया करेंगे तो हम तारीफ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जबकि टैक्सी भी आने वाली थी लेकिन हाँ वो टैक्सी लेट आती है, रात में कहाँ इंतजार करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तो आरएसओ कितना टाइम लगा था आने में, जब मैं चला गया था एक घंटे बाद, एक घंटा लगा था। हाँ एक घंटे का टाइम उन्होंने लिया ही भी था भाई, बाकी आ गए थे एक घंटे में यही था। तो चलो भाई अब देखते हैं गाड़ी में आगे क्या होगा, कौन सा अपडेट है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।